हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पार्ट 15 अपन ने पहले कंप्लीट कर लिए थे। इसके आगे अपन आज पार्ट नंबर 16 देखने वाले हैं। तो अपन इनसेट के सिंबल्स ऑप्शन में आ गए हैं। यहाँ इक्वेशन जो होता है इसको अपन देख लेते हैं और सिंबल्स को अपन देख लेते हैं कैसे ये कार्य करते हैं। ये ज्यादातर कब काम में आते हैं, जब आप मैथ के टॉपिक के ऊपर कोई काम कर रहे हो या मैथ के नोट्स बना रहे हो या मैथ के क्वेश्चन बना रहे हो, तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में आता है। या साइंस में भी कई जगह ये काम में आते रहते हैं। जैसे आपको इनमें से जो भी फॉर्मूलाज लेना है सिंपली आप वो ले सकते हो। अच्छा सर, हमारे को इसमें चेंज करना हो तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ x की जगह y करना है तो x को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट और राइट एरो दबाए, राइट की साइड लेके इसको और यहाँ पे y लिख दिया। अच्छा, इसी प्रकार से आपको यहाँ जो भी चेंज करना है वो चेंज आप क्लिक करके लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर ये तो कुछ लोगों को आता है पहले से, आगे देखते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। तो यहाँ पे आप जब डिजाइन में जाते हो इसके ऊपर रखते हैं तो ये डिजाइन का ऑप्शन आता है। यहाँ आप कई प्रकार के फ्रिक्वेंशन भी ले सकते हो, जैसे इस प्रकार का आपको लेना है तो इस प्रकार का भी आप ले सकते हो। जैसे एंटर से मैं नीचे ले आया, जैसे इसको राइट करता हूं, अभी ये इसको सिलेक्ट कर लिया है, अभी यहाँ टाइप करेगा, मैंने कर दिया एक, इसको फिर राइट किया और मैंने कर दिया दो, मैंने चाहा एक की जगह तीन होना चाहिए तो फिर लेफ्ट किया और यहाँ पे लिख दिया एक कोटा के तीन। तो जो भी करना है सिंपली आप दोस्तों यहाँ से कर सकते हो। इसके आगे आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कैसे काम करता है दोस्तों, ये ऑप्शन तब आते हैं जब आप इनके ऊपर क्लिक रखते हैं। तो आप नॉर्मली लास्ट में क्लिक रखिए, यहाँ से डिजाइन में चले जाइए, यहाँ से स्क्रिप्ट अलग अलग प्रकार के हैं, बस ले लेना है और लिख लेना है। जैसे सर इसमें कैसे लिखेंगे? अच्छा ये वाला ले लिया अभी, जैसे ये ऐप से इधर का आया और एंटर दबा दिया मैंने, इसको ये नीचे ले आया मैं इसको थोड़ी देर के लिए, और जब मैं यहाँ आया यहाँ पे लिखेगा, जहां पे भी ये सेलेक्ट होता है उस जगह ये लिख देता है। जरूरी यहाँ पे न्यूमेरिकल को आप अल्फाबेट भी लिख सकते हो, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है। अच्छा इसी में ही आगे चलते हैं, अपन आगे बात करते हैं। ये देखो अभी भी चालू है, ये देखो अभी भी चालू है, सिंबल्स यहाँ डिजाइन अपने को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी अपन डायरेक्टली डिजाइन ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया, इसकी जगह अगर बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये हट जाएगा। जहां पे भी अपन नॉर्मली क्लिक रखते हैं दोस्तों वहां पे ये सिंपली चला जाता है। तो इस प्रकार से सिंपली आप कार्य कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये इसी के अंदर इंसर्ट न्यू इक्वेशन। जैसे ही ये लेते हैं डायरेक्टली अपने पास डिजाइन ऑप्शन खुल के आ जाता है दोस्तों। अगर वो वाला नहीं लेके आप यहां से डायरेक्ट आपको जो भी चाहिए, कौन सा ब्रैकेट से चाहिए, किसके अंदर चाहिए, सभी प्रकार के सूत्र आपको यहां मिल जाते हैं। ये देखिए अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये सारा मैथ साइंस वगैरह में काम में आता है। इस प्रकार से भी आप लेके लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको ये सिंबल्स सूत्र जो है वो लेना समझ में आ गया होगा। इसी पार्ट में आगे चलते हैं, अपन सिंबल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐसे सिंबल जो अपने पास कीबोर्ड से नहीं ले सकते वो आप यहां से ले सकते हैं। जैसे ये ले लिया, बुक का चिन्ह आ जाएगा, जैसे ही बुक के ऊपर क्लिक किया बुक का चिन्ह आ गया। बुक को मैंने सेलेक्ट किया, माउस के द्वारा भी कर सकते हो और आप कीबोर्ड के द्वारा भी कर सकते हो। कीबोर्ड के द्वारा मैं फिर बता देता हूं, शिफ्ट के द्वारा राइट एरो को दबाएंगे, राइट की साइड सेलेक्ट होता है। अगर इधर की साइड है, अब ये पुस्तक लेफ्ट साइड में है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो पर दबाएंगे तो ये सेलेक्ट कर लेता है। यहां से जैसे जैसे दोस्तों अपन इसकी साइज बड़ी करते हैं वैसे वैसे इस बुक की साइज भी बड़ी हो जाती है। बहुत ही इजी वे में आप इसमें कर सकते हो। सर यहाँ पे तो इतना कुछ है नहीं, तो अपने को आना पड़ेगा सिंपली मोर सिंबल में और यहाँ से आपको चुन लेना है वेंडिंग्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जो भी सिंबल्स आपको लेना है उसके ऊपर क्लिक करते जाइए, इंसर्ट करते जाइए, आते जाएंगे। जैसे ये लिया 0141, जो भी आप लिखोगे वो लिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ही समझ में आ जाएगा एक टेलीफोन नंबर है। तो सिंपली दोस्तों आप जो भी लेना है वो इस प्रकार से ले सकते हो और कार्य कर सकते हो। इसी पार्ट में आगे चलते हैं, अपन मोर सिंबल्स में जाते हैं। यहां से वेंडिंग्स जो होता है एक दो और तीन
मो जो है तीनों में ही अपने को सिंबल्स दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के सिंबल्स। आप यहाँ से ओम भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे सिंबल हैं। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे आप अगर जाते हो शॉर्ट की के ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी आप की भी उसको दे सकते हो। मैंने कर दिया कंट्रोल के साथ क्यू दबाऊंगा और ये आ जाना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको असाइन कर दिया है और क्लोज कर दिया है। और जैसे ही मैं इसको ले लिया जैसे सिंपली, अच्छा अब अगर मैं कंट्रोल की दबाऊंगा कुछ होगा अभी? अभी देखो एक बार कंट्रोल की दबाया, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि जो अपन ने बॉक्स ले रखा था वो कौन सा बॉक्स था वो मैं बता देता हूँ, ये ब्लैंक बॉक्स था, इसलिए वो नहीं आया। अच्छा वापिस शॉर्टकट की में चलते हैं, इसको तो एक बार उड़ा देते हैं अपन। अच्छा मेरे को तो इस वाले सिंबल पे शॉर्ट की देनी है, तो इसके ऊपर क्लिक रखना है और शॉर्ट की के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखो यहाँ पे सिंबल दिखा दिया, ये सिंबल आएगा, कंट्रोल के साथ क्यों दबाना है, असाइन कर देना है, क्लोज कर देना है और क्लोज कर देना है। जैसे कंट्रोल क्यू दबाते हैं वो सिंपली दोस्तों आपके सामने वो सिंबल आ जाता है। सर हम कंट्रोल क्यू ही क्यों ले? देखो मैं बताऊँ, कंट्रोल क्यू बहुत कम काम में आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्ट कीज के लिए। अब जैसे कोई कंट्रोल एस कर दिया, तो जब भी वो कंट्रोल एस सेव करने के लिए दबाएगा और वो सिंबल आएगा, वो परेशान हो जाएगा, फिर उसको यहाँ आके यहाँ से सेव करना पड़ेगा या यहाँ से आके यहाँ से सेव करना पड़ेगा। तो ऐसी शॉर्ट की दे जो बहुत कम काम में आती हो। यहां से मोर सिंबल में जाएंगे, इस वाले प्रोसेस को हटाने के लिए शॉर्ट की के ऊपर क्लिक करके यहां जाके उसको मैंने डिलीट कर दिया, वो ऑटोमेटिक भी इसको डिलीट कर दिया। अच्छा इसी पार्ट में आगे चलते हैं अपन, ऑटो करेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ऑटो करेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहां पे ये जो सिंबल है इसकी शॉर्ट की अपन दे सकते हैं, जैसे क्यों क्यों में आ जाएगा। यहां पे अपन प्लान टैक्स भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया राजस्थान जयपुर। ठीक है मैंने कर दिया, यहाँ पे क्यू दे दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे क्यू में ये ऐड हो गया है और इसको भी अपन ओके कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। जब भी आप क्यू दबा के स्पेस दबाओगे वो शब्द लिखा हुआ आएगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप दोबारा देख सकते हो। पहले तो मैं इसको हटाना बता देता हूँ कैसे हटाते हैं। मोर सिंबल के अंदर जाएंगे, ऑटो करेक्ट के अंदर जाएंगे, अपन ने क्यू के ऊपर की क्लिक किया था, क्यू पे लिखा हुआ आ गया, इसको अपन डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे और क्लोज कर देंगे। अगर आप क्यू और स्पेस दबाओगे नहीं आएगा, दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ से सिंबल के ऊपर क्लिक करना है, मोर सिंबल के ऊपर क्लिक करना है, मोर सिंबल के ऊपर क्लिक करने के बाद में ऑटो करेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने दबा दिया डब्लू दबा के भी, जब भी स्पेस दबाऊंगा तब क्या लिखा हुआ चाहिए, प्लेन टेक्स्ट कर दिया, मैंने लिख दिया जयपुर कोमा राजस्थान कोमा इंडिया, ये लिखा हुआ आ जाए। क्यू दबा के डब्लू दबा के स्पेस दबाऊंगा और ये शब्द लिखा हुआ आएगा, जैसे ही आप इसको ओके करते हो ये ऐड हो जाएगा। नहीं मेरे को डब्लू दबाने पे नहीं आए, मेरे को तो जयपुर दबा के स्पेस दबाऊं और ये पूरी लाइन लिखी हुई आ जाए। ठीक है कोई बात नहीं है, ऐड कर दो, ओके कर दो, क्लोज कर दो। जब भी आप जयपुर लिखोगे और स्पेस दबाओगे वो पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आप इस प्रकार से किसी भी शॉर्ट जो ऐसी लाइन है जो बार बार में काम में आ रही है, तो उसको आप यहां जाके एंटर कीजिए और यहां जाके एंटर करके आप उसको ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने क्या किया था, जयपुर के ऊपर क्लिक किया था, तो जयपुर के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको डिलीट कर देना है और ओके कर देना है, क्लोज कर देना है। जब भी आप जयपुर दबाओगे अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो प्रोसेस अपन ने डिलीट कर दिया। आई होप आपको सिंपल ऑप्शन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।